जी, इस वक्त असं डेरा बस्सी के जो सत्संग चल रहा था वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सब लोग संत रामपाल जी के जो सत्संग सुनने के लिए आए थे और उनके साथ बिल्कुल पक्की तरीके से जुड़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे सर, ये आप बताइए कि आप संत रामपाल के साथ क्यों जुड़े हैं? सर, हम संत रामपाल जी के लिए के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनका जो भी ज्ञान है वो शास्त्रों के, वेदों के, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार ज्ञान है। और जब हमने उनका ज्ञान सुनकर उस ज्ञान को मिलान किया तो हमने शत प्रतिशत उसको सही पाया और उसके बाद हमने कुछ सोचा नहीं और समझा नहीं, क्योंकि हम गीता को पहले भी बहुत बड़ा मानते थे, आज भी बहुत बड़ा मानते हैं। और जो उनका ज्ञान है वो गीता के अनुसार है और वो कहते हैं कि बच्चों, जो गीता में लिखा हुआ है आप वैसे करो, आप मनमुखी साधना मत। तो आज संत रामपाल जी जो है इस वक्त जेल में है, उनके ऊपर कई तरह के केस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सत्संग कर रहे हैं, लेकिन आपको आशा है कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे? हाँ जी, क्योंकि जो ये सारा प्रकरण है वो सरकार का, प्रशासन का एक जो है मिथ्य प्रचार, जो कि आज तक हम लोग भी जब किसी जगत के आदमी से बात करते हैं, प्रशासन के आदमी से बात करते हैं, तो उसको हम जब पूछते हैं कि आप ये साबित तो करो कि ये इस प्रकार से कोई गलत काम आश्रम में होते थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन जब वो मिथ्या प्रचार सरकार, प्रशासन और जो मेन इसमें था हाथ, वो था आर्य समाज का, क्योंकि गुरुजी ने जो है संत रामपाल जी ने आर्य समाज का जो सत्यार्थ प्रकाश था उसकी सच्चाई जो है आम जन तक पहुंचा दी थी, कि जिसकी वजह से जो आर्य समाज था वो गुरुजी का विरोधी हो गया और गुरुजी का विरोधी होने के साथ उन्होंने षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री और प्रशासन से मिलकर ये सब जो है षड्यंत्र करवाया था। ठीक है। हाँ जी, इन्होंने बताया कि इनको पूरी आशा है कि किसी शास्त्र के चलते या सरकारों के चलते ये सब किया गया है, संत रामपाल जी बिल्कुल बेकसूर हैं। आगे हम बात करेंगे। हाँ जी सर, हमारे सोन सिंह जी है जो यहाँ के यूनिट को संभालते हैं, जो सारा कामकाज देखते हैं। सर, आप क्या मानते हैं संत रामपाल जी? हम संत रामपाल जी महाराज को सच्चा, श्रेष्ठ और पूर्ण गुरु मानते हैं और हमने सारे शास्त्रों को उनका ज्ञान मिला लिया है। मिलाने के बाद हम इस निर्णय में पहुँचे कि संत रामपाल जी के बगैर दूसरा यहाँ कोई गुरु नहीं है और जो मुक्ति और मोक्ष दे सके, और जो सच्चा ज्ञान दे वो सच्चा गुरु है, जो सच्चा ज्ञान ना दे तो उसको तो कहना ही पड़ेगा वो झूठा है, नकली गुरु है। सच्चे गुरु के प्रमाण के लिए हमें ये साबित कर सकते हैं, जैसे कि वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इन्हें के हम चेक कर सकते हैं, उनके अंदर लिखा चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई सच्चे गुरु की ये निशानी है। जैसे कि आम ही शास्त्रों में लिखा है, जो उल्टे लटके हुए वृक्ष के कल्ले कल्ले छंद बता दे वो सच्चा गुरु है। और रामपाल जी महाराज ने बता दिए, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छड़ाए एक लगाए तो प्राणी निजकर को जाए, वो पूरा बता दिया। और गुरु नानक जी महाराज ने ये भी बोल दिया, जे तू पढ़िया पंडित होए बिन दो अक्षर दो नाम है, प्रणवत नानक इक लंगाए ता कर सत समावा। तो ये सारी चीज़ा रामपाल जी महाराज ने खोल के दस दी। अभी तक जितने भी संस्था है, जितने ग्रंथ हैं, जितने पंथ हैं, जितने भी रास्ते हैं, सबके अंदर यही बताया कि परमात्मा निराकार है। और संत रामपाल जी महाराज ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और वेद भी कह रहे, कबीर अंगारियसी बंभारियसी ऋतु धामासी, कि वो परमात्मा बंधन कटने वाला, पाप खत्म करने वाला और सचखंड के अंदर रहा, तो संत रामपाल जी महाराज शब्द कर दिया। दूसरा एक प्रमाण, सबसे उत्तम श्रेष्ठ प्रमाण ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे दुख कभी नहीं कटे, किसी भी भक्ति करने से नहीं कटे, जब हमने संत रामपाल जी महाराज की भक्ति की तो उससे हमारे दुख भी दूर हो गए, घर के क्लेश भी दूर हो गए, शारीरिक दुख भी, मानसिक दुख भी, और पैसे धन दौलत वाला वो भी हमारी दूर हो गए। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसा ना कोई संत है और ना ही कोई अभी वर्ल्ड में है, वही उत्तम और श्रेष्ठ संत है। तो असी अगे गल करांगे। सर, मैनू लग रहा है भी अज असीं देखिया कि कोई भंडारा वाले छड के आए हैं, कोई रसोदा साहब छड के आए हैं, तुसीं इहदे च क्या कहना चाहुंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो विश्व में संत तो बहुत हैं, और जिस संत के पास जाते हैं पूछते हैं कि परमात्मा के कहते कि सबका मालिक एक, वो सबका मालिक एक हम जानने के लिए
कई संतों से भी सवाल किए, कई संतों के पास गए भी, हमारे तमाम भक्त जो यहाँ आए हुए हैं ये भी तमाम संतों के पास पहले उनके सत्संग भी सुनते रहे, तो वे भी ये कहते थे कि सबका मालिक है, लेकिन सबका मालिक एक और परमात्मा एक कौन है? केवल मेरे गुरु रामपाल जी महाराज ने ही ये प्रमाणित वेदों उसमें और गुरु ग्रंथ साहब में ये प्रमाणित करके बताया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज भगवान है, कबीर इज परमात्मा है। और सभी संत कबीर साहब महाराज की वाणी को तो लेकर के सत्संग करते हैं, लेकिन ये सब ने सिद्ध नहीं कर पाए कि परमात्मा कौन है। वो एक आज विश्व में गुरु रामपाल जी महाराज मेरे ऐसे हैं जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि कबीर इज ही परमात्मा है। वो हमारे ऋग्वेद में भी प्रमाणित करके दिखा दिया, सामवेद में भी प्रमाणित करके दिया जाए, और गीता में भी प्रमाणित कर दिया, गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रमाणित करके दिया। इसलिए आज आप देख रहे हैं हमारे कितना जो भक्त समाज जुड़ा हुआ है और सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं, और हमें सबको लाभ भी होते हैं, ऐसे लाभ होते हैं कि गिनते आपको सुबह से शाम हो जाएगी, इतने लाभ हमें मिलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी और हमारे परमात्मा की कृपा से श्री महाराज जी हाँ आशीष। तो इससे अलावा हम आगे बात करते हैं, हमारे साथ सरदार जी हैं, थोड़ा आगे आइए। आप एक सावध सूरत सरदार है, लेकिन फिर भी आज आप संत रामपाल जी के सपने में आए हैं, क्या बात है? संत रामपाल जी मेरे सत्संग सुनने के लिए आए, ने ज्ञान मतलब वेद शास्त्रों के आधार पर है। नहीं, देखने को आप एक सावध सूरत सिख हैं, क्या लगता है कि आप उधर से इधर आए? पहले भी रही होगी वहाँ पे, क्या लगा था आपको? मैं हर एक धर्म के साधु के पास पहले साधना की है, हर एक मंत्र जप किया, पर किसी से कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ मेरे को। जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मैंने सुना टीवी पे, तो उससे मेरे को सब पता चला भी विज्ञान जो इनके पास है वो किसी धर्म गुरु के पास है नहीं है। वेदों के शास्त्रों के कुरान बाइबल के सब। कितने देर से आप जुड़े हुए हैं? हम डेढ़ साल से जी। डेढ़ साल के वक्त में क्या लगा आपको, कैसे लगा पिछली जिंदगी और अभी की जिंदगी में? इसमें बहुत जीवन का परिवर्तन आया। जो पहले एक परमात्मा की खोज थी, भी टेंशन थी मतलब परमात्मा कौन है कैसा है, तो इसमें सारा क्लियर हो गया हमको। सारे धर्म गुरु बताते निराकार है, हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं साकार परमात्मा है। ठीक है, ये सन साढ़े नाल जिहड़े सिख जिहड़े सिखी नूं छड्ड के जिहड़े साढ़े इहदे नाल आए हैं, ते पर असीं इत्थे किते ना किते असीं दसणा चाहांगे कि भावें कि अज साढ़े हिंदुस्तान दे विच संतां नूं लैके काफ़ी वड्डा विवाद भी छिड़िया होया है, बहुत सारे सिख जिहड़े संत है इस वेले जेलां 'च बैठे होए हन, लेकिन फिर भी अज असीं संत रामपाल जी दे इत्थे जिहदे असीं सत्संग हो रहा सी, काफ़ी सारे लोग जिहड़े है अज रामपाल जी दे सर दे विच जुड़दे जा रहे हैं, ते असीं इत्थे ही हुण करदे इस प्रोग्राम खत्म, फिर किते फिर अगले सत्संग हाजर होवांगे। अगले सत श्री अकाल जी।